हे hey दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बाइक मॉडिफिकेशन के ऊपर है। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे हमेशा ना कमेंट करके ना सजेस्ट करते रहते हैं कि मुझे मतलब अलग अलग टॉपिक्स देते रहते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। जैसे कि लास्ट व्लॉग में उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मतलब बाइक मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि मेरी बाइक पर मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है और मुझे कितना कॉस्ट आया इसके पार्ट्स के ऊपर। तो सबसे जो पहली बात है, ओके, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि बाइक कौन सी है। बाइक है ES 200। इसके ऊपर कोई पल्सर का स्टिकर नहीं है, मैंने निकाल दिया है। तो ये बाइक है ES 200। तो इसके ऊपर जो मैं पहला मॉडिफिकेशन किया था वो था ये टॉप रैक के ऊपर। इससे पहले भी मैंने स्टील का ना टॉप रैक, सॉरी मेटल का टॉप रैक डाला था, वो ना उसमें रस्टिंग प्रॉब्लम बहुत आती है टॉप रैक में, तो रस्टिंग की वजह से वो टूट गया, तो मैंने फिर उसको निकाल के फेंक दिया। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेटल वाला टॉप रैक है प्लीज़ मत डालो, वेस्ट ऑफ मनी है, पैसा पूरा बर्बाद, सड़ जाएगा और काट के फेंकना पड़ेगा। उस पर वेल्डिंग भी मारोगे तब भी वो टिकेगा नहीं। तो मेटल टॉप रैक था जो मैंने काट के अभी फेंक दिया है। तो ये है डोमिनर 400 का टॉप रैक, प्लस ये सैडल स्टे भी है उसके साथ में। और बस इसमें मतलब ये AS 200 है, AS NS दोनों सेम ही है, तो आप लोगों को ज़्यादा कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ना एक होल मारना पड़ेगा इसको लगाने के लिए बोल्ट को। इसके अलावा आपको कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो दो स्क्रू देख रहे हो वो डायरेक्ट बैठ जाएंगे उसके अंदर ही। तो पहला मॉडिफिकेशन इसी पे किया था मैंने। टॉप रैक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं लॉन्ग राइड्स में ना बैग बांधने के लिए कोई जगह नहीं होता है, सीट पे बांधना पड़ता है, तो सीट पे बांधेंगे तो पीछे बैठने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने टॉप रैक डाला था। तो टॉप रैक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हो तो। पहला जो मॉडिफिकेशन था वो टॉप रैक के ऊपर था और ये सैडल स्टे के ऊपर। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट किया था मॉडिफिकेशन वो है हमारा ये नकल गार्ड्स के ऊपर। नकल गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हो ना, ये जो नकल गार्ड है ये आपको मतलब आपके फिंगर्स को ना विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब लॉन्ग राइड्स करते हो ना तो रात में ठंड वंड बहुत होती है। ठंड में क्या होता है कभी कभी मतलब ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाने के लिए बेजार आता है कभी कभी, तो मोस्टली आप लोग ग्लव्स नहीं पहनोगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो विंड ब्लास्ट होता है ना सीधा आपके फिंगर्स पे आता है और हैंड्स ना एंटर करता है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता कैसे घुसेगा यार, तो इमेजिन कर लो, क्योंकि मैं ही कैमरा को होल्ड कर रहा हूँ और मैं ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ से विंड ब्लास्ट पूरा एंटर करेगा और आपके पूरे हैंड में जाएगा और पूरा ना धीरे धीरे धीरे, पहले तो कुछ नहीं होगा, एक दो तीन घंटे के बाद ना ठंड लगनी स्टार्ट होगी और ठंड ऐसे लेवल में लगेगी कि आपको लगेगा बस और नहीं होता बाइक चलाने, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो इसके लिए मैंने नकल गार्ड्स डाले थे। नकल गार्ड्स उतना प्रोटेक्शन नहीं देते हैं बट एक हद तक मतलब एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं ठंडी को, तो नकल गार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ दोस्तों, मैंने इस पर जो भी मॉडिफिकेशन किया है ना वो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट किया है, जैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट मैंने मॉडिफिकेशन किया, ऐसे नहीं कि किसी शॉप पे गया और डायरेक्ट डक 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 करके जो जितना पैसा है सब कुछ लगा दिया। तो जितने की मुझे ज़रूरत लगी थी बस उतने का ही मैंने मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि टॉप रैक था मुझे बैक के लिए चाहिए था तो मैंने टॉप रैक डाला, नकल गार्ड डाले, फिर ये जो गार्ड है गार्ड डाला सेफ्टी के लिए। तो आपको भी मैं बताता हूँ कि ऐसे मॉडिफिकेशन मत करो कि जितना पैसा है सब कुछ लगा दिया। और ये मॉडिफिकेशन जो भी मैंने किया है ये मैं कोई शॉप पे जाके नहीं किया है, ये मैंने बस घर पे ही बैठ के किया है और एक ही टाइम पे मैंने नहीं किया है। मतलब मुझे बाइक को पूरा ऐसा बनाने के लिए ना एटलीस्ट 1 ईयर तो मुझे लगा। धीरे 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 जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई मैं इस पर मॉडिफिकेशन करते गया। तो मैं बात कर रहा था नकल गार्ड की, नकल गार्ड मैंने डाला है। नकल गार्ड के बाद ये जो साइड मिरर्स है ये स्टॉक ही है क्योंकि मैं वो चाइना वाले दूसरे डालने नहीं गया। उससे क्या होता है ना मिरर की क्रोम, मतलब मिरर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रियर देखने के लिए ना, रियर में पीछे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है हाईवे के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैंने स्टॉक ही डाला है, मिरर पे कोई जुगाड़ नहीं किया। बीच में सोचा था इधर जो साइड में आते हैं ना वो ईयर टाइप मिरर्स वो डालने के बारे में मैं सोचा था, फिर मैं सोचा छोड़ो जाने दो क्यों चाहिए जुगाड़, टूटेंगे। मतलब हाईवे के ऊपर मतलब विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए साइड मिरर्स की। तो नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है वो मिरर के ऊपर किया है, सॉरी मिरर नहीं, नकल गार्ड्स। नकल गार्ड के बाद जो मैंने चीज़ किया है ना, ये जो हैंडल है एक्चुअली ड्यूक 200 का हैंडल है ये, और ये जो राइजर है, सॉरी राइजर वाइजर कुछ नहीं है इसके अंदर, स्प्लेंडर का ना बैलेंस रॉड बुश है और ये वॉशर्स है। एक्चुअली टोटल जुगाड़ पे मैंने किया है इसके एक्चुअली अंदर ना मैंने स्टेनलेस स्टील का SSK के बोल्ट्स डाले हैं। बस ये जो दो बोल्ट्स हैं ना यहाँ से अंदर, ये दो बोल्ट्स का कॉस्ट ही मुझे कुछ 300 तक आया था सिर्फ बोल्ट का कॉस्ट। तो क्वालिटी अच्छी है बोल्ट की, तो मैंने वो बोल्ट्स को डाला है, सेफ्टी के लिए मैंने डाला है क्योंकि रस्टिंग की वजह से कहीं बोल्ट्स टूट ना जाए। तो अब तक तो एज सच इस हैंडल ने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया है मुझे अभी तक,
बट आगे देखते हैं कैसे होता है, जो भी होगा मैं आपको रिव्यू देते रहूँगा बाइक पे, जो भी फॉल्ट आएगा जो भी चीज़। तो फिलहाल इसके अंदर मैंने ड्यूक 200 का हैंडल बार डाला है और ये ड्यूक 200 का ही है। और हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग चाहिए तो ये नया भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जो स्टॉक वाला जो आता है ना वो स्प्लिट हैंडल आता है। स्प्लिट हैंडल का प्रॉब्लम ये है कि ना वो आपको मतलब शोल्डर्स पे ना लॉन्ग राइड्स में ना बहुत पेन देता है। तो जब भी मैं लॉन्ग राइड्स करता था तो स्प्लिट हैंडल की वजह से ना शोल्डर्स पे बहुत पेन आता था, तब मैंने जाके ये ड्यूक 200 का हैंडल बार डाला है, सो दैट ये ना इसकी राइडिंग क्वालिटी ना थोड़ा मतलब कम्फर्टेबल है, हैंड्स आपके थोड़ा ऊपर लेवल में रहेंगे, थोड़ा कम्फर्टेबल रहेंगे। तो ज़्यादा डिटेलिंग एक्सप्लेन में नहीं जाऊँगा। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इस पे है, ये जो हैंडल बार है मैंने सेकंड हैंड खरीदा था 300 रुपीज़ में, और ये जो कनेक्टर्स है इसके एक लैम्प्स इसे मैंने 600 रुपीज़ में खरीदा था, और जो यहाँ का बोल्ट है 300 रुपीज़ के, बस इतना ही इस पे खर्चा किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ये मोबाइल होल्डर भी मैंने इससे पहले भी बहुत 2-3 टाइप के डाल के देखे थे, सब वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है दोस्तों। तो फाइनली कंक्लूजन पे मैं ये आया कि ये पोट्रोनिक्स का है, बजट फ्रेंडली है, 250 या 200 रुपीस में पड़ता है इसका कॉस्ट। तो ये मोबाइल होल्डर मैंने डाला, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें ना कुछ वाइब्रेशन सुनने आते हैं, तो आपको बस पेपर कुछ डाल के ना इस पर जुगाड़ करना होगा, इसको वाइब्रेशन को बंद करना होगा, इतना ही दोस्तों और कुछ नहीं है। बस इसको प्रेस करने से ये अंदर जाता है, ऐसे करने से मोबाइल होल्ड हो जाएगा। मेरे पास S10 प्लस है तो मेरा मोबाइल इजीली फिट होता है इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने किया ये स्विचेस है दोस्तों, इस पे ना LED लगती है, तो मैं चाबी ऑन करके बताता हूँ। अब ये बंद है, इसे ऑन करेंगे तो इस पे LED लगेगी, एज यू कैन सी दोस्तों, ये देखो LED ऑन है, इसे ऑफ करता हूँ, ये ऑन LED लगती है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो स्विचेस है ना इसके अंदर पानी चला जाता है, तो पानी की प्रॉब्लम की वजह से 2-3 बार मैंने चेंज किए, ख़राब हो जाता है बार बार, तब जाके मैंने ये वाला डाला है। अब तक तो इसके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसे डाल के भी 1 महीना हो चुका है और 1 राइड कर चुका हूँ बारिश में, तो फिलहाल तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विच के वजह से। देखते हैं आगे कुछ होता है तो, इनकेस कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इस पे था। इसके अलावा मैंने ये जो वाइज़र है ना, ये वाइज़र इसका ओरिजिनल वाइज़र है दोस्तों, AS200 का वाइज़र है ये, इस पे मैंने बस टेपिंग की है। ये AS200 का वाइज़र है दोस्तों, इस पे टेपिंग करने की वजह से ये थोड़ा मतलब शाइनिंग लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है दिखने में भी। और जो नेक्स्ट मैंने किया है और ये है, ये एक्चुअली इलास्टिक है, ये आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे 200 रुपीज़ में मिल जाएगा, 200, 150 या 100 में भी मिल सकता है। ये एक्चुअली सीट के ऊपर बांधने के लिए, कुछ सामान वामान टांगने के लिए है, बट मैंने इसे शो के लिए ना ऐसे फ्रंट में लगाया है। इसका फ्रंट में लगाने का रीज़न ये, एक्चुअली नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं ना, आप लोग एक्सपल्स में भी देखा होगा, उसके जो हेडलाइट्स होते हैं वो राउंड होते हैं हिमालया बुलेट में भी, और उस पर मेटल का ना कवर आता है, तो मेटल वाला ना एक्चुअली ग्लास को प्रोटेक्शन देता है। फिलहाल ये AS200 है ना, तो इसके लिए कोई मतलब बाइक को बंद होके भी बहुत टाइम हो चुका है, तो कोई मतलब ऐसे कुछ उसका कवर जुगाड़ नहीं बनाया अब तक, तो मैंने इसके लिए ये वाला बांधा है, इसे शो के लिए लगाया था। तो इस नट्स के हेल्प से ना इसको लॉक किया है मैंने, उस नट्स से वहाँ पर लॉक किया है, और नीचे इस कवर की मदद से नीचे लॉक किया है इसे, तो ऐसे ही यहाँ पर लॉक किया है मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूँ ये पंखे की, ये मुझे 800 रुपीज़ का पड़ा, 800 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से नहीं अमेज़ॉन पे मुझे मिला। ये पंखा मैंने बस शो के लिए लगाया है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई बेनिफिट ऐसे कुछ नहीं है, तो बस शो के लिए मैंने लगाया था। तो फ्रंट लुक इसकी वजह से ना वो पंखे की वजह से एनहेंस हो रहा है। और जो नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ ये फॉग लाइट्स की, फॉग लाइट में ये जो लाइट है ये ख़राब हो चुका है, ऐसे वाले लाइट्स मत लो, ये 300 रुपये में मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बरसात निकलेगा, 1 बरसात भी नहीं निकलेगा, 1 ही राइड में इसकी बैंड बच गई। ये फालतू प्रोडक्ट है, ये कुछ काम का नहीं है, ये जो फॉग लाइट्स है इसमें पानी जा चुका है। तो ट्राई करो कि चाइना वाले फॉग लाइट्स नहीं ले, अवॉइड करो ये फॉग लाइट का। फिर भी ना फोकस अच्छा है, अब तक चल रहा है फॉग लाइट, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका फोकस बहुत अच्छा है। आप लोगों देखो इसका लुक कैसे दिखता है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। इसका कॉस्ट कुछ 500 रुपीज़ का एक पड़ता है ये वाला, इससे अच्छा HJG का डालो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और अच्छे ब्रांड का ही डाल दो। तो अभी जो मैं नेक्स्ट रिप्लेस करूँगा ये उस पर ही होगा रिप्लेसमेंट। अभी दूसरे साइड में बताता हूँ, ये ना ये आउल शेप वाला है। तो अगर आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते हो तो मेरे एक व्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि मेरे फॉगलर्स ख़त्म हो चुके हैं, वो था दावनगिरी राइड वाला व्लॉग था वो, जिसपे मैंने बताया था कि फॉग लाइट ख़राब हुआ है, रात के टाइम पे था। तो ये जो फॉग लाइट है ये उसी वाला फॉग लाइट है, तो इसलिए वो साइड में अलग है, ये साइड में अलग है। ये फिलहाल अभी भी चल रहा है, अब तक ये ख़राब नहीं हुआ है। इसका जो एक और पार्टनर था वो साइड में था, वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने उसके निकाल के फेंक दिया है, और ये वाला अभी भी चल रहा है। जब तक चलता है तो इसको चलने दो, उसके बाद इसको निकाल के फेंकेंगे। इसका जो ब्राइटनेस है ना अच्छी है,
बट इसमें पानी जा चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, यह है हमारे हॉर्न। हॉर्न की अगर मैं बात करूँ ना, हॉर्न हमारा बहुत बड़ा है। मैंने बड़ा हॉर्न इसलिए डाला है क्योंकि हाईवे पे जब भी मैं होता हूँ और जब भी मैं हॉर्न मारता हूँ ट्रक्स को, ट्रक्स ना हाईवे पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत लंबे होंगे वहाँ पर ट्रक्स, तो जब भी हम हॉर्न मारते हैं ना तो ट्रक वाले को समझ में ही नहीं आता है कि पीछे कोई बाइक आ रही है, उसके मिरर में भी दिखता नहीं है बाइक उतना। तो इसके लिए मैंने बड़े हॉर्न डाले हैं सो दैट एटलीस्ट ट्रक ड्राइवर्स ना अलर्ट हो कि पीछे से कोई बाइक आ रही है, कोई बंदा आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो रहा है कि जब भी मैं मेरे लेन में होता हूँ ट्रक वाले कभी कभी ना ऑल ऑफ सडन मेरे लेन में आके छोड़ते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि पीछे से मैं आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन था वो इसके ऊपर था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये गार्ड जो है ये NS200 का है, बुराक ब्रांड का। ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, अमेजोन पे भी मिलेगा आपको। इसका जो कॉस्ट था, ये सबसे एक्सपेंसिव बाइक में जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है वो इसी गार्ड का है। ये 4-4.5 हज़ार के पास कुछ पड़ा था मुझे करीब। तो ये जो गार्ड है ये मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए भी डाला है और ना लेग रेस्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मतलब कंटिन्यूस लॉन्ग राइड्स में ना यहाँ पर पैर रख के रखने के लिए बेजार आता है। तो फर्स्ट थिंग हेल्प होती है कि यहाँ पर आप लोग पैर रख सकते हो आराम से, चाहिए तो नीचे रख सकते हो, तो लेग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग लेग रख सकते हो, और सेफ्टी भी बहुत देता है। और मैंने यहाँ पर एक बॉटल होल्डर भी लगाया है क्योंकि राइड्स में क्या होता है कि प्यास, पानी की प्यास बहुत लगती है, तो कौन बार बार बैग खोल के मतलब बॉटल को बाहर निकालेगा, इसलिए यहीं से मैं डायरेक्टली बॉटल को एक्सेस कर सकता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर ना जेरिकेंस लग सकते हैं। अगर लद्दाख राइड जब भी करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा जेरिकेन लगा के। मैंने भी अभी तक कोई जेरिकेन नहीं लगाया क्योंकि मैं अब तक लद्दाख राइड नहीं किया हूँ ना, तो जब करूँगा तब यहाँ पर बहुत जल्द जेरिकेन लगा के ऐसे कोई करेंगे। फिलहाल तो मैं इस पर बैग टांगता हूँ, कैमरा वाली बैग जो होती है, छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं ना राइड्स पे जब भी मैं कैरी करता हूँ, तो वो सब बैग्स में यहाँ पर टांगता हूँ। जो अब मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो आएगा ये हमारा, यहाँ पर मैं टॉप बॉक्स के लिए मैंने ये बताया था, एक्चुअली ये टॉप बॉक्स के लिए है। मैं ESG का टॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ, तो रिसेंटली मैंने परचेस किया है और मुझे लगता है फ्राइडे या सैटरडे तक ना बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है टॉप बॉक्स के ऊपर। उसका मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत जल्द उसका रिव्यू दूंगा, मुझे कॉस्ट कैसे पड़ा, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, साइड इफेक्ट्स, जो भी चीज़ है सब कुछ मैं बता दूंगा उस टॉप बॉक्स के बारे में। मैं फिलहाल ESG का टॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ, उसका कॉस्ट था 2800 के करीब, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो टॉप बॉक्स के ऊपर है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन किया है वो हमारे है ये टेल लाइट्स, ब्लिंकर्स। ये जो है ये मिंडा का है। एक्चुअली क्या है कि मिंडा डालो, कोई भी डालो, यहाँ पर ना होल होता है छोटा, उसमें ना आपको होल को ब्लॉक करना है। अगर आप लोग वो होल को ब्लॉक नहीं करोगे ना तो पूरा जो टायर से निकला हुआ चिक्कड़ जो है ना वो लाइट के अंदर घुस जाएगा। तो मैंने होल को ब्लॉक किया है, ये मिंडा के टेल लाइट्स है, 500 रुपीज़ का ईच है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये मैंने छोटा ब्लिंकर डाला था, क्योंकि मेरा जो टेल लाइट है ना, टेल लाइट का शायद इतना पार्ट ऑन नहीं होता है, ये पूरा चलता है और ये चलता है, ये नहीं चलता है, इसमें भी पानी घुस चुका है। तो इसकी वजह से मैंने ये टेल लाइट को मतलब इनकेस क्यों रिस्क लेना, पीछे टॉप बॉक्स भी होगा तो मे भी पीछे ट्रक वर्क आएगी, बाइक का भी कलर ब्लैक है ना, तो नाइट के टाइम पे थोड़ा पीछे आने वाले बंदे का विजन थोड़ा एनहेंस करने के लिए, तो उसे थोड़ा अलर्ट करने के लिए मैंने ये डाला था। ये कुछ 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, वेस्ट ऑफ मनी है दोस्तों। ये साइड में जो डाला था वो टूट गया है, देखो ये टूट गया, तो पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। ये एक ही साइड का चल रहा है, एक्चुअली ब्लिंकर है, ब्लिंक करते रहता है। तो दोस्तों मॉडिफिकेशन के नाम पे मैंने बस इतना ही किया है, और इस पे जो भी मॉडिफिकेशन किया है ना वो एक ही टाइम पे मैंने नहीं किया है, पार्ट बाय पार्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने किया है। जैसे कि ये सेंटर स्टैंड हो गया, ये सेंटर स्टैंड भी इसके अंदर नहीं था कंपनी फिटेड, ये मैंने ही फिट किया है। इसका कॉस्ट मुझे कुछ 1000-1200 के करीब पड़ा था। अब दोस्तों मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो इस पे जो भी मैंने मॉडिफिकेशन किया है ना एज़ पर रिक्वायरमेंट ही किया है, मैंने एक्स्ट्रा मतलब शो के लिए बोल के नहीं डाला है, सिवाय ये पंखे के और वो जाली के। वो जाली भी एक्चुअली मैंने सीट पे बांधने के लिए लिया था, कुछ सामान वामान डालूंगा बोल के, बट ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं उसके डालने के लिए, फिर मैं काट के हेडलाइट को बांध दिया। तो इस पे जो अनवांटेड मतलब शो के लिए जो मैंने डाला था वो बस वो पंखा है, पंखे के अलावा बाकी जो भी मैंने किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है, जैसे कि टॉप रैक हो गया, टॉप बॉक्स हो गया, फिर यहाँ पर ये जो गार्ड हो गया, और ये ग्लॉस वाला जो ये है क्या बोलते हैं इस पे जो मैंने टेपिंग किया है वाइजर के ऊपर, वो एक शो के लिए था। और यहाँ पर मैंने स्टिकर एक मारा है, स्टिकर डालने का रीज़न ये था कि वो एरिया जो था पूरा एम्प्टी हो गया था, उस पे जो पल्सर वाला स्टिकर था वो भी मैंने निकाल दिया था ना, तो एम्प्टी लग रहा था, इसके लिए मैंने वो स्टिकर मारा, उसको भी निकालना है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है वो। तो दोस्तों यही मॉडिफिकेशन मैंने किया था।
आप लोग भी अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो बाइक के ऊपर, तो ऐसे मत करो कि पूरा स्टिकर मार दिया, लाइट लगा दिए, ऐसे मत करो। मतलब देखो आपकी बाइक को रिक्वायरमेंट क्या है, आपको खुद फील होगा कि आपकी बाइक की रिक्वायरमेंट क्या है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करो। और ये जो भी मैंने किया है ये कोई शॉप पे जाके मैंने नहीं किया है, घर मतलब जब भी मैं कोई राइड करता था ना, तो जब भी मुझे कोई चीज़ कमी किसी चीज़ की कमी फील होती थी तब मैं उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करता था। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पार्ट अपग्रेड करता था। मैं इसे मॉडिफिकेशन नहीं बोलूँगा, दिखने में तो बाइक अच्छी दिख रही है बट इसे मैं मॉडिफिकेशन नहीं बोलूँगा, इसे एक अपग्रेड बोलूँगा, क्योंकि जो भी मैंने डाला है लुक को एनहेंस करने के लिए नहीं डाला था। मतलब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत लगती थी जब भी, तो मैं उस चीज़ को मैं चेंज कर देता था, तो इसलिए मैंने डाला था। इसके लिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप राइड करो, अगर आप राइडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो जब भी राइड करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या डालना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो दोस्तों। और जो भी मैंने डाला है ऐसे नहीं कि नकल गार्ड्स जो थे उसमें भी अच्छे क्वालिटी वाले थे, तो इसके लिए मैं नकल गार्ड इसलिए डाला था सो दैट मुझे ठंड से बचने के लिए मैंने नकल गार्ड्स को डाले थे। इसके लिए मैं नकल गार्ड्स 600 रुपीज़ वाले भी लिए, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो 1500 रुपीज़ वाले भी आप ले सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये 600 रुपये भी उतना ही काफ़ी है, उतना ही मतलब आप लोगों को सपोर्ट देंगे। इसके लिए ज़्यादा खर्चा मत करो, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्चा करो। अब गार्ड पे मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट इसलिए किया है क्योंकि गार्ड सेफ्टी के लिए चाहिए और इसमें मैं बांध भी सकता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगा गार्ड, इसके लिए मैंने गार्ड पे खर्चा किया है। और जो डोमिनर का जो टॉप रैक डाला था वो मुझे 3000 के करीब पड़ा था। टॉप रैक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, सैडल स्टे भी इंपॉर्टेंट है बैक को बांधने के लिए। मैंने आपको बताया कि ये कास्ट आयरन का है और स्टील का डालेंगे तो सस्ता पड़ेगा 1000 में, बट ना उस पर रस्टिंग इशू आएगी, क्या फ़ायदा रस्टिंग लेके एक साल के अंदर उसे उड़ाने से, अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी वाला एक ही टाइम पर डालना बेटर रहेगा ना। इसके लिए मैंने टॉप रैक ये वाला डाला है। तो दोस्तों दैट्स इट दोस्तों, मैंने मॉडिफिकेशन के नाम पे बस इतना ही किया है, ज़्यादा कुछ जुगाड़ नहीं किया है। और आप लोग लुक तो देख ही सकते हो कि लुक ये कोई बोलेगा भी नहीं कि ये AS200 है, इतना एनहेंस हो चुका है। एक और चीज़ की मैंने बात नहीं की है दोस्तों, सीट के ऊपर जो है ना दोस्तों, मैंने ट्रिपल लेयर कुशनिंग डाला है क्योंकि लॉन्ग राइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीट का अच्छा होना। इसके लिए मैंने सीट पे ट्रिपल लेयर डाला है कुशन्स के, सो दैट ज़्यादा कंफर्टेबल हो और बेटर हो राइड। लोगों को मेरा मॉडिफिकेशन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।